राफेल मामले पर संसदीय क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहते हुए बिजनेसमैन अनिल अंबानी को घेरा है। कहा था देश का चौकीदार बनेंगे, भाषण दिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। और चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। किसका पैसा था? सबसे पहले हिंदुस्तान के युवाओं का, दूसरे नंबर पे एयरफोर्स का, उनका पैसा था। और नरेंद्र मोदी जी ने उनसे छीन कर अनिल अंबानी को दिया। हिंदुस्तान के युवाओं, आपने लोकसभा में राफेल पे डिस्कशन देखा होगा, आपने मेरा भाषण सुना। मैंने नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल पूछे, HAL से आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना, अनिल अंबानी ने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस पर, जैसे विजय माल्या पे 9,000 करोड़ रुपए का, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा अनिल अंबानी पे है। मैंने देश के प्रधानमंत्री से आपके सामने पूछा कि आपने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, कभी उधर देखें, कभी नीचे देखें, कभी साइड देखें, कभी यहां देखें, मगर आंख में आंख मिलाकर, जैसे मैं युवाओं जैसे मैं आपके साथ आंख मिला रहा हूं, वैसे नरेंद्र मोदी जी आंख नहीं मिला पाए। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने देश का पैसा चोरी किया है और अनिल अंबानी को दिया है, यह सच्चाई है। और अभी ये और चलेगा, बताते चले आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में महाकुंभ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चौकीदार वाले बयान पर हमलावर होते हुए कहा कि वो डिक्शनरी से नए नए शब्द खोज कर ला रहे हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।